दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की आईटीआर फाइल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो हम इनकम टैक्स के कस्टमर केयर से बात करना चाहेंगे या फिर कस्टमर केयर को जो है मेल करके जो है अपनी समस्या से अवगत करवाना चाहेंगे। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे को कस्टमर केयर का जो नंबर या फिर ईमेल एड्रेस मिलेगा कहाँ से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है आप कस्टमर केयर के नंबर या जो ईमेल है वो जो इनकम टैक्स की साइट है, इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप जो है किस तरह से निकाल सकते हो। एक बात और बता दूं दोस्तों कि आपको जो नंबर है गूगल में या क्रोम में सर्च करके उन नंबरों पर आपको कस्टमर केयर को कभी भी कॉल नहीं करना है। आपको जो है ओरिजिनल नंबर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट है, वेबसाइट है, उसी से आपको नंबर निकाल के उसी पर आपको कॉल करना है, क्योंकि गूगल या क्रोम वाले नंबर जो है फ्रॉड हो सकते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड घटना घट सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से हम कस्टमर केयर के नंबर या ईमेल एड्रेस जो है निकाल के और उन पर जो है आप इजीली उन्हीं पर बात करें। तो इसके लिए आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल टेक यादव के साथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर नंबर के लिए आप चाहे फ़ोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप जो भी यूज कर रहे हो, आपको सबसे पहले जो भी ब्राउजर है ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ब्राउजर के आपको सर्च बॉक्स में जाके वहां पर आपको टाइप कर देना है इनकम टैक्स। तो आपको ब्राउजर के साइट में जाके इनकम टैक्स जैसे ही आप जो है टाइप करके इसको सर्च करोगे तो इनकम टैक्स का जो वेबसाइट का लिंक है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके और हमारे को जो इनकम टैक्स की साइट है साइट को आपको ओपन कर लेना है। तो आपको नंबर जो है कस्टमर केयर के इनकम टैक्स की वेबसाइट से जो नंबर मिलते हैं उन्हीं पर आपको कॉल करना है। आप कहीं गूगल या कहीं और देख के कहीं कॉल करोगे उसमें आपके साथ कोई भी फ्रॉड घटना घटित हो सकती है। तो आप जो है इनकम टैक्स की साइट से ही जो है नंबर निकालें, ईमेल निकालें, उन्हीं के ऊपर जो है किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स से रिलेटेड क्यूरी हो तो आप जो है बात करें। तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी हमारे को क्या करना है कि इस तरह का जो है पेज हमारे सामने खुल के शो हो जाएगा। तो अभी दोस्तों क्या करना है कि मैं ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ इसमें फ़ोन में कर रहा हूँ, तो जो ऊपर थ्री डॉट का सिंबल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नीचे कॉल अस का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस कॉल अस वाले ऑप्शन के ऊपर जो है हमारे को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं कोलस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कस्टमर केयर के नंबर ये आपको मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी सेक्शन से रिलेटेड या जिस भी प्रकार की क्यूरी हो यहाँ पर अलग अलग क्यूरियों से रिलेटेड अलग अलग जो है आपको कस्टमर केयर के नंबर मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला है आयकर संपर्क केंद्र, तो उसमें कॉल कर सकते हो। ई फिलिंग या प्रोसेसिंग उससे रिलेटेड है तो इसमें कॉल कर सकते हो। या आपको ट्रेस जो एक पोर्टल होता है जहाँ पर जो 26AS फॉर्म उस पर कॉल कर सकते हो। टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी NSDL से रिलेटेड है तो इस पर आप कॉल सकते हो। इसके नीचे आपको जो है इनकम टैक्स के अलग अलग प्रकार की जो है मेल भी मिल जाएंगे। तो आप जो है ईमेल एड्रेस है तो यहाँ से आप इनकम टैक्स को जो है मेल भी कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको कस्टमर केयर के नंबर चाहिए या फिर जो है आपको ईमेल एड्रेस चाहिए तो इस तरह से जो है आप इजीली इनकम टैक्स की साइट में जाके और वहाँ से कस्टमर केयर के नंबर और ईमेल जो निकालें और इन्हीं पर जो है आप किसी भी प्रकार की आपकी क्यूरी हो तो आप जो है कस्टमर केयर को मेल करें या फिर जो है कस्टमर केयर से आप डायरेक्टली बात करें। तो दोस्तों ये था मेरा जो है इनकम टैक्स के कस्टमर केयर से रिलेटेड छोटा सा वीडियो। कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।